शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम अड्डा मैनेजमेंट की बीओजी की बैठक हुई। बैठक में बस अड्डा मैनेजमेंट के कार्यों की समीक्षा की गई। बस अड्डों के रखरखाव पर 82 करोड़ 30 लाख खर्च किया जाएगा। नए बस अड्डों का आधुनिक तकनीक से निर्माण किया जाएगा। शौचालय की व्यवस्था और साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। साफ सफाई का काम निजी हाथों में दिया जाएगा, जिस पर 8 करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है। तो हिमाचल में बस अड्डों को सुधारने की मंशा है सरकार की। सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि बस अड्डों की स्थिति बेहतर की जाए, हाईटेक किए जाएं बस अड्डे, और इस लिहाज से शौचालय की व्यवस्थाएं भी करने के प्रयास होंगे। और इसी के लिए अब हाईटेक बस अड्डे बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। तमाम चर्चाएँ की गई कि कैसे बस अड्डों को हाईटेक बनाया जा सकता है। हिमाचल में बस अड्डों के हालातों को सुधारने के मद्देनज़र इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है, और बस अड्डों की हालत कैसे सुधरेगी इस पर विस्तार में बातचीत की गई है। हाईटेक बस अड्डे बनाए जाएंगे, साथ ही बस अड्डों पर टॉयलेट सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं टॉयलेट सुविधाओं की साफ सफाई के लिए निजी कंपनियों को भी साथ लाया जाएगा। वहीं ओवरलोडिंग का मामला पिछले कई दिनों से हिमाचल में काफ़ी हावी है, क्योंकि एक बड़े बस हादसे के बाद ओवरलोडिंग पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इससे दिक्कत ये पेश आई कि लोगों को अपने घरों तक, स्कूलों तक पहुंचने में खासी दिक्कतें हुई, और अब सरकार ने अहम फैसला लिया है। 25% ओवरलोडिंग को मंजूरी दे दी गई है। 25% से ज़्यादा ओवरलोडिंग होने पर ही एक्शन लिया जा सकेगा, यानी कि 25% ओवरलोडिंग को मंजूरी दी गई है। अब बसों में जो दिक्कतें लोगों को आ रही थी सफर करने में, वो ठीक रहेगी। वहीं बंजार बस हादसा, जिसके बाद की ओवरलोडिंग को रोक दिया गया। बंजार बस हादसा काफी बड़ा बस हादसा था। इस बस हादसे की रिपोर्ट आ चुकी है, जांच की रिपोर्ट आ चुकी है, और सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि इस बस हादसे के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं जंजीर बस हादसे की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है, और इस रिपोर्ट पर भी आगे बातचीत की जाएगी। वहीं बंजार बस हादसे की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, इस हादसे के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, ये भी कहना है परिवहन मंत्री का। तो बंजार बस हादसे की रिपोर्ट आ चुकी है, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, ये भी कहना है परिवहन मंत्री का। और बंजार बस हादसा काफी बड़ा बस हादसा था, इसके बाद ओवरलोडिंग को रोक दिया गया था। जिस परसेंट तक हमने कहा कि ओवरलोडिंग जो है हो चुकी है, और जिसमें यह है कि आपका मेन इशू क्या है कि कोई छत पर ना हो, कोई पीछे बस में ना चढ़े, और फिर ड्राइवर के आसपास का क्षेत्र वो खाली रहना चाहिए, और इसलिए इसको अपनी कंट्रोल करना। और बाकी परिचालकों की भर्ती की प्रक्रिया भी हमने प्रारंभ कर दी है, लेकिन हमने एक निर्णय लिया है कि भाई इसमें कोई भी यानी के एक्सपर्टी HRTC के नहीं है, और ये ट्रांसपेरेंसी जो होना चाहिए, इसलिए हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हमारी बात हो रही है कि ताकि रिटर्न टेस्ट जो है कंडक्टर्स के जो वो ले रहे हैं, जो भी रिपोर्ट में जहाँ पर जिसकी भी गलती लगती है उस पर कार्रवाई करें।